सभी भाइयों को नमस्कार भाई। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लाडी जोहाना डायरी फार्म में। आज का अपना जो वीडियो है वही बात भाई फिर आएगी। आप हरपल भाई की वीडियो में कह रहे हैं, एक फौजी भाई हैं गांव दरोली खेड़ा से, उनकी वीडियो शूट कराएंगे आज आप। जिस नाम के पीछे फौजी आ जा भाई, ईमानदारी और सच्चाई की तो कहने की जरूरत ही नहीं है अपने देश में के किसी भी देश में भाई। और भाई साहब की वीडियो कैप्चर कराएंगे और भाई का पूछेंगे सेल परचेज का काम है क्यों है, जो कुछ भी सारी जानकारी भाई साहब से ले आएंगे आप आगे जाके। राम राम फौजी साहब। राम राम भाई साहब। थोड़ा ऊंचा बोलिए फौजी साहब। राम राम भाई साहब। राम राम फौजी साहब। अपना एड्रेस कन्फर्म कराए दे फौजी साहब। अपना एड्रेस है भाई, नाम सतीश फौजी, गांव दरोली खेड़ा, तहसील उचाना, जिला जींद। ठीक है जी फौजी साहब। फोन नंबर भी बता दो फिर लास्ट में फिर पूछ लें। फोन नंबर है 8375 8375 41574 41574। कोशिश एड तो दिखाओगे पशु उड़ते दिखा देंगे। ठीक है फौजी साहब, अपना सेल सूल का काम है किस तरह? ना सेल सूल को नेक आदि ले आ रहा है, कोई सूत्री बिका तो ठीक से नहीं तो आप जाते को नहीं ले वे। हले ले अपने घर घर जो के अपना घर के अच्छे डंगर रखा। हां भाई आप पहले कहना चाहवा थे बात। फौजी साहब अपने घर में रखे साफ सुथरे डंगर रखे और दिखाओगे आज एक जोटरी है। कौन सा ब्यांत किया फौजी साहब? सेकंड की भाई। सेकंड टाइम मेरा भाई 2:00 भाई है ना, मैं टाइम बता दूं भाई। देखा अपने उस 2:24 बाबा शूट कर रहे हैं वीडियो और 6-7 की 5 की फौजी साहब ने काटी हुई है, धार धार काटी हुई है और देख लो भाई। सेकंड टाइमर है, फुल ल्योटे की भैंस है। इस साइड तो देख लो पूरा बिच्छा फुल जितना होना चाहिए। अपन 2 बलियांत का तो नहीं कहोंगे, एक भी कह दे यार नीरे मेरे वर्गे भाई, एक भी 2 बलियांत का बलियांत बलियांत का बिच्छा। बहुत अच्छी झोटी है, लंबी ऊंची बिल्कुल छोटा सींग प्यारा हमूकी है और नलह रखी नहीं जाडा, आपने पता है कितना पड़ा है सारे भाई ने। नीचे क्या फौजी साहब इसका? नीचे कटड़ा। कटड़ा है। कैंदन की ब्याई हो रही है फौजी साहब? ये कल की ब्याई है। कल की ब्याई है। खीस खास कितना कटिया? खीस काट के इसका 7-8 किलो खीस ली। 7-8 किलो खीस ली। तो देख लो भाई कितनी बन रही है और ये सड़बट देख लो इसमें कितने हैं। दोबारा दूध पे बनकावेगी जब पता लगेगा कि सके है घर की या के रिकॉर्ड है फौजी साहब जो पता। क्या भाई बताऊं, आप तो मोल लेके आए थे 17-18 किलो का बताऊं भाई। बताओ वाले ले। हां हां बाकी जो अपन देव गया तो उम्मीद अपन ने भी 20 प्लस की हिस्सा है। ठीक है 20 प्लस की उम्मीद है फौजी साहब ने। और फौजी साहब का एक और कहना था भाई, सबकी पहला बिना देखी हुई सबकी 18 देवे खर की। बिल्कुल ठीक है फौजी साहब। और ये अगली या इसका तला है 21 किलो दूध। 21 किलो या कौन सा ब्यांत किया फौजी साहब? यह है चौथे ब्यांत। खड़ी कर दो थोड़ी सी बैठ जाएगी दोबारा भाई। धूप बहुत बढ़िया निकल रही आज, पशुओं ने कई दिन में इतना ईसा ईसा नजारा महसूस सोया लाले फील होया देखने ना मिलिया। देखो भाई चौथे ब्यांत की है, पिछली बार या दनोत्ता तो लेकर आया हूँ, दनोत्ता में 22.5 किलो में इसमें अपने नुआस में नुआस में HLDB की रिकॉर्डिंग 22.5 किलो की है भाई। चौथा ब्यांत में देखिए भाई कैडर था ना इसके बिल्कुल छोटे छोटे जिस तरह अपने खर की दूसरा वाली के होकर है और भाई नस भी पूरी है थोड़ा पैल्ट हुआ फौजी साहब। लोटी पैको भाई निरे भाई ना साड़ी ने देख के पूरे नहीं कह रहा है पूरा दूध की पाव फुल नास है भाई। धार दूर है किस तरह फौजी साहब? बिल्कुल नंबर वन एक नंबर की धार है भाई। या भी सेल खतर कोनी होगी फौजी साहब? या भी सेल खतर नहीं भाई। सेल खतर कोई सी नहीं है भाई। खतर अपना तो कौन सी है नहीं फिलहाल कोई कुछ भी सेल खतर नहीं है फौजी साहब पे। और एक ही आप बड़ी भैंस है भाई। देख लो भाई मैं शायद हिट में भी आज देखो कितना बिच्छा स्पेस फूस फुल सब इलेक्ट्रिशियन में है। सेकंड टाइमर है अभी। सेकंड टाइमर है। फुल हाइट फुल लेंथ की है भैया सारी मैं सदा ऊंची लंबी है फौजी साहब की सबसे ऊंची लंबी मैं ऐसा है। कितनी ऊंची मतलब एरिया में सीधी मैं ऐसा फौजी साहब का कहना ही हुआ कि एरिया में सीधी भैंस है भाई। होगी भी भाई फुल फुल जितनी फुल कह कर उतनी फुल हाइट की भैंस है भाई। आप नहीं नजर आ मैं तो हूं तो बिल्कुल नंबर 1 और बिल्कुल शरीफ ने दूध दाद कितना दिया फौजी साहब इसने? दूध अपन ने इसके 2.5 बिंडा की ब्याई का करा था हमने रिकॉर्ड HLDB में। हां कितना होया? तो 22.5 किलो में। 22.5 किलो में। 22.5 में आ लगी थी। एक अपन ने सेल कर दी थी अंकुर फांसवा थी उसका था
वो 25 किलो बजे। आप सारे भाई भाई मैं बताना चाहूंगा, फौजी साहब ने लाइव भी चलवाई थी, लाइव नहीं चलवाई थी फौजी साहब? लाइव नहीं, वैसे अपना बुला रखे थे, अपना गुआम गुआंड के सारे बुलाए। हां ना, वो लाइव भी तो थी नहीं, कौन चैनल पे किस तरह थी वो जद अंकुर ले गए? डेयरी फार्म वालों ने वैसे बना रखे थे लेकिन लाइव नहीं करते। हां रिकॉर्ड साथ में ही कर रहा था, रिकॉर्ड साथ में ही कर रहा था भाई। एचएलडीबी की रिकॉर्डिंग थी उसमें, तो एक भैंस अंकुर भाई हैं फ्रांस वाला था अपने भाई, वो लेकर गए थे मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए की कैंक ले, हाँ 4 लाख की लेकर गए थे। उसका दूध हो था 25 किलो और इस भैंस को था भाई 22.5 किलो। वो महीने की ब्याई थी या ढाई महीने की? या ढाई महीने की ब्याई हुई थी उस टाइम, ढाई महीने की ब्याई का भाई फौजी साहब ने रिकॉर्ड करवाया था दूध इसका 22.5 किलो। और भैंस फुल फुल हाइट लेंथ की है, फुल तो अभी फुल इतनी मैंस हुआ भी बहुत ऊंची है पिछली अपन दिखाई थी, और यह इन भी फालतू है मेरे ख्याल में आधा फुट कह लो 6 इंच कह लो, 6 इंच तो पूरी ऊंची होगी पिछली मैच, तो आप देख भी सको, देखो कितना फर्क है इसका और इसका। और आ गए बेच फौजी साहब, यहाँ पे मोल लेकर आए थे, ये मोल लेकर आए हो? हाँ, ये लेकर आता रखा था, यहाँ भी 23-24 किलो की मैच की है, अच्छी मतलब बढ़िया उनका खरना अपना फौजी हो भी ठीक है, उनके पास से लेकर आते हैं फौजी साहब के कोई मित्र है फौजी, उन पर तो मोल लेकर आए हैं। 23-24 किलो किसकी माँ है बता रहे हैं फौजी साहब? 16-17 महीने की होगी भाई बेच, यहाँ छोटा सींग है देख सको आप सारे भाई, और इतना फालतू का मेरे पास कहना नहीं आता, ये देखो और वो देखो भाई, आप देसी से पत्रकार ले लो, देसी से यूट्यूबर हाँ, सीधी सीधी बात बताया इसका, हम देखो कितनी शांत कितनी है कटड़ी, और नीचा तभी दिखाने की कोशिश करेंगे आपने, देख लियो भाई कितना बिच्चा था ना, सारे भाई जितने भी भाई हैं तक वीडियो पहुंचेगी फुल बिच्चा सेल खेतर यहाँ भी नहीं है फौजी साहब ने बता दिया। इसका बाप बूप का बेरा फौजी साहब? नहीं बाप का नहीं पता भी अपने। अरे इसका या कट्टी? या कट्टी है उसे अपन ऊंची जोटी की। ऊंची जोटी की? हाँ, जो ठीक है ये, या भी भाई उसकी माँ की तरह ही 3.5 महीने की, 3.5 महीने कट्टी है, देख लो कितनी सुतरी तैयार हो रही है, ऊंची लंबी पूरी बनेगी भाई रब ने अच्छी चाहा तो। आगे देखो इसका पता किसकी है फौजी साहब? ये टिकट आके अपना जोटा था, एक फ्रेंड तो लेकर आया था 25 किलो का रिकॉर्ड का जोटा, आप लेकर आए थे? हाँ ठीक है, अपने पे था जोटा ना, उसकी डायरेक्ट क्रॉसिंग की है, उसके क्रॉसिंग की है डायरेक्ट, ठीक है। वो कहां पे सेल कर रहा? अपने इरके दिया था वो, ठीक है, ये अपना काम में है, अपना छोटा भाई लेकर आया उसने, हां हां अपना काम में है दोस्त, ठीक है भाई। देखो भाई फौजी साहब के सारे पशु हैं, फौजी साहब पे एक देसी गौ माता भी अंदर, वो भी आपने दिखाई देंगे, और ज्यादा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिस भाई के पीछे नाम फौजी लग गया नहीं उसकी, या देसी गऊ माता भाई फौजी साहब की देखो कितनी शांत है, आप नजदीक नहीं जाओगे क्यों देसी दूसरा नौकर दूर कर दे, भाई कह रहे हैं कुछ नहीं कहेगी आपने भी, देखो भाई। और अगर मैं भाई हिंदू अगर मैं एक देसी गऊ माता जरूर होनी चाहिए, इनका भी भला हो जाए और अपना ना भी नहीं हो जाए, पुण्य करना है कुछ रोटी देना होगी, देखो भाई बताना फिर फौजी साहब के पशु किसे लगे, आपने फौजी साहब का छोटा सा काम है यू, अपना 5-7 पशुओं का सेल परचेज का फौजी साहब का काम नहीं है, फौजी साहब दोबारा तो एक बार नंबर और बता दो कोई भाई पूछने लायक देख रहा है, 8375 41574 41574 फौजी साहब का दोबारा फिर अपना नंबर भी बता दिया भाई, और कुछ जानकारी देना चाहोगे फौजी साहब अपने दर्शकों को? आप तो भाई यही चीज कहूंगा भाई, अच्छा पशु रखो और अच्छे दूध तैयार करो, अपने बिल्कुल सच्चाई के ऊपर काम करो, ठीक है जी फौजी साहब, बहुत बढ़िया बात बताई है फौजी साहब। हरियाणा मुर्रा की खान है, इसका नाम अच्छे पशु रखना, ज्यादा जाकर नाम रहोगा, ज्यादा जाकर रहोगा, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, अच्छा पशु रखेंगे आगे अच्छे बच्चे पैदा होंगे भाई फौजी साहब का, ये कहना नस्ल पर काम करो, बढ़िया टीके दरवाओ, जिसने भी जो भी इंजेक्शन लगवाने हैं बढ़िया बुला के लगवाओ, कोई एचएलडीबी के लगवाओ, हाँ हाँ दूध के लगवाओ, हाँ ठीक है फौजी साहब का, हाँ आम आदमी ने दूध तो चाहिए, लेकिन दूध नहीं है तो उसका हाँ हर आदमी तो मेला में भी नहीं ले जाता नहीं फौजी साहब, ये मेले मुड़े का काम है भाई, दूसरे आम आदमी जो 99% आदमी है अपने गाँव में दूध उसका मजा है, हाँ दूध का ही कह रहे हैं, लोग भी देखना इसका मैस खड़ी है 20 किलो की खड़ी है 22 की खड़ी है, 20 किलो दूध भाई उन्हें को निकलता मैस कर मालिक के पसीने वाले, मालिक के पसीने वाले हैं भाई, और सारे भाई अच्छा काम करे करो भाई, जितने भी भाई देखने वाले हैं नी अच्छे पशु रखो, 10 की बजाय 2 रख लो तो बढ़िया रखो, जितने भी रखने हैं सब ने 10 किलो
एक रख लियो और दस रखोगे दस दस किलो वाली उसका बढ़िया, दो तीन रख लियो बढ़िया बीस बीस किलो वाली, और अच्छी जो दो आदमी भी कहेंगे कि भैंस ले रहा हो भाई ले रहा। इस भैंस की उम्मीद है ना भाई 25 लीटर तक जाओगी इस भैंस की? हाँ। फौजी साहब का पहले जो पीछे थी बिल्कुल नॉर्मल गर्म थी, जो मतलब चराई चुरी में बिल्कुल आम आदमी की थी। हाँ हाँ, विकास गेट दिया दूध घट लिया। चारों बढ़िया है, आप ही इसने लग रहे मेला खतर भी तैयार करा है। फौजी साहब का कहना यू है कि आप मेला में लेकर चलेंगे इसने ADFA में, किसी दिन अपना भी नंबर जरूर आवेगा क्यूँ साफ सुथरे मेले लग गए कैमरिया की नजरा में। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया काम हो गया, जो साफ सुथरा नहीं कैमरे की निगरानी में, किसी का कोई होने ना कोई किसी के बारे में कुछ कह सकता ना, कहने का फायदा नहीं, फायदा भी नहीं है फौजी साहब। सच्चाई बिल्कुल सामने दिखाओ तो कैमरे, वो तो सबके सामने है, कैमरे लग गए फिर भी जो लोग उंगली उठावेंगे नहीं वह फिर बेवकूफ है या फिर जान बूझ के करे जाओ। हाँ हाँ, सच्चाई के ऊपर काम करो भाई हर चीज, देखो मेरा भी सच्चाई पे अपना दूध का भी जो भी चीज सच्चाई के ऊपर करा दो उसका मजा अलग है, सच्चाई का ही काम करो। और ये तो कहने की जरूरत भी नहीं है भाई, फौजी नाम है गया तो सच्चाई तो बढ़ गए सोचते भी नहीं है। ना ना बिल्कुल नहीं भाई, जिन्होंने अपने देश की सेवा कर रखी है और तो गलत काम का तो कोई मैं तो कंधा नहीं कोई करता होगा, मैं तो दो फौजी भाई ना जानू भाई, एक के टाइम बोलो जिस टाइम अगर किसी की जान बच दियो ना अपने झूठ बोलने दे। देखो भाई कितनी झूठ बोलते हो, कितनी बढ़िया बात कही है, जो अपना झूठ बोलने दे किसी की जान बच दियो नहीं, सिर्फ उस टाइम झूठ बोलनी चाहिए इंसान ने। तो पहला यार पाल फौजी भाई थे और ये भाई है फौजी, आप इन दो फौजियों से मिले हैं, दोनों की बात में अपना तो झूठ लगी नहीं भाई, और किसो भाई ने लग दी भी होगी जरूर, कोई एंटी भी होगा, मैं नहीं कहता कि सारे सबका ना के सारे ठीक हों, फिर भी अपने विचार देना भाई कमेंट में भी किसे लगी फौजी साहब की बात है जो पशु है फौजी साहब के। हल तो 2:30 बजे हैं भाई, बनन नहीं शुरू होगी मैं अपनी, हाँ चला के दिखा दो फौजी साहब, यहाँ खरकी जो दूसरे बैंत की झोटी है चला के दिखाऊंगा भाई जी ने, भाई देख लियो भाई दर्शक चलाए चलू का चाल चूल जो से भी शाब हुआ व्यापार लाइन का अपना तो पता नहीं, और कितनी बढ़िया बना है वह भी आप देख सको के कुछ है झोटी में के नहीं है, झोटी का बॉडी स्ट्रक्चर इतनी अपन सुधी नहीं आंदी नहीं पढ़े लिखे आप है नहीं। हाँ फौजी साहब का कहना यू है कि इसकी बॉडी का हिसाब था स्ट्रक्चर देखा तो 20-22 किलो की पूरी उम्मीद है, देखो कितने बढ़िया थाना है पूरा मुट्ठी का थाना है भाई, ठीक है भाई दर्शकों वीडियो बहुत लंबी हो गई है अपनी 12-13 मिनट की हो गई है, तो बताना कमेंट करके फौजी साहब के पशु किसे लगे, फौजी साहब का नेचर और वीडियो किसी लगी आप सारे भाइयों ने, और जो कुछ भी अपना बता छूट गया हो गलत कहा गया हो सारे भाइयों तो माफी चाहवांगे, और सारे भाइयों ने दोबारा फिर राम राम भाई।